नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों जो ज्यादा शरणपति करते हैं ना, उनके लिए भी ये न्यूज हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि इसलिए शरणपति शब्द समझते हैं राजस्थानी में, शरणपति मतलब बहुत ज्यादा तेज तर्रार, जिसको अपने को लगता है कि मैं तो 30 मार खाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। खासतौर से अगर बात करें विदेश से संबंधित, जॉब से संबंधित। जी हाँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप कमेंट्स जो अपने विचार व्यक्त करते हैं ना, तब मुझे पता चलता है। जी हाँ, 7 लोग थे, 7 लोगों का नाम बता दूं, एजेंट का नाम। जी हाँ, अच्छे एजेंट हैं दुनिया में, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें जो एजेंट है ना, इस पे तो आप भरोसा नहीं करते, समझ गए। ये तो मैन पावर है, गवर्नमेंट अथोराइज, भारत के विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। इनको छोड़ दो, इनको गोली मारो, हमें उनको चाहिए जो लोग अच्छा काम करते हैं आपकी नज़र में। अब अच्छे का लोग कौन है भाई? अंकित है, नवनीत है, विजय है, जावेद है, इनके साथ में 2 लड़कियां हैं। ये न्यूज वाले भी बड़े, कानून भी बड़ा टेढ़ा भाई। अब लड़कों के नाम दे दिए, लड़कियों के नाम नहीं दिए, यानी ऐसे तो बोलते हैं समानता का अधिकार है इंडिया में, लड़कियां सेम है, तो भाई नाम क्यों नहीं दे रहे हो फिर? लड़कों के नाम क्यों दे दिए? अगर लड़कियां अच्छा काम करे तो उनका ऊपर वाले पोस्ट में, अगर गलत काम करे तो उसका नाम ही नहीं दे रहे। 2 लड़कियां ऐसी दिखाई गई है, न्यूज देख सकते हैं अब, ये सच्चाई है। जी हाँ, ये लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली में बैठ के कस्टमर केयर बना रखा था, किराए का एक रूम ले रखा था। जी हाँ, कॉल सेंटर जिनको बोल सकते हैं। फेसबुक पे इन लोगों के ऐड चलते थे। आप लोग जो फेसबुक से बड़े संपर्क करते हो, मुझे पता है मेरे पास आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है, आप लिख के मुझे टेक्स्ट करते, मैं पढ़ लेता हूँ, हालांकि मैं फीस लेता हूँ तो आप दोबारा बात नहीं करते। आप इन जैसे लोगों से बात करना ज़्यादा इंटरेस्टेड समझते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने, ये लोग फेसबुक पे ऐड देते थे, बता दूं रोज 500 से 700 कॉल अटेंड करते थे। जी हाँ, 100% सच्चाई की बात है, ये पुलिस के बयान है, मेरे बयान नहीं है, मैं आप लोगों को उनकी बातें अपने मुंह से शेयर कर रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, ये लोगों का टारगेट था 500 से 700 रोज के कॉल आने। अब 500-700 लोगों को अगर कॉल किया जाए तो उसमें से 15-20 आदमी तो आराम से आ सकते हैं ना कि हाँ जी सर हमें जाना है। जी, इनका टारगेट, ये लोग दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, यूरोपियन कंट्रियों को तो अलग छोड़ दो, ये गल्फ देशों के नाम से मात्र और मात्र फ्री ऑफ रिक्वायरमेंट चार्ज कितना, 15 से 20 हज़ार रुपये लेते थे। जी हाँ, उनके नाम से पैसे लेते थे। बता दूं, इतने लोगों में से ठगी होती है तो कुछ एक दो बंदे ऐसे हो जाते हैं जो साहस कर लेते हैं सामने आने का। उन्होंने जी पुलिस को शिकायत करी, अब पुलिस को शिकायत करी तो पुलिस ने उनकी लोकेशन निकाल के उनको गिरफ्त, जब वहाँ पर छापा मारा तो सभी सातों के सातों, जिसमें 5 लड़के और 2 लड़कियां, सब के सब कॉल में, कॉलिंग में बिजी थे, यानी टारगेट ढूंढ रहे थे, टारगेट निशाना लगा रहे थे, कबूतरों को फंसाने की कोशिश थी पूरी पूरी, और वो कॉलिंग में लग रहे थे। जैसे पुलिस आई, हक्के बक्के, और भाई पुलिस यहां कैसे पहुंच गई, फिर सबको वहीं के वहीं पकड़ लिया गया, छापा मार के गिरफ्तार कर लिया गया। खुलासा उसका जब उनसे पूछताछ की गई, उनसे जो भी पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तो पता लगाया कि पूरा का पूरा गेम वो फर्जी सिम के जरिए करते थे। अब आप लोग ज़्यादा शाणे हो कि अपनी फोटो, अपने पासपोर्ट की कॉपी, आपको लगता है ना कि घर बैठे वीज़ा मिल रहा कनाडा का, आप सेंड कर देते हैं, आप ही के डॉक्यूमेंट वो यूज़ लेते हैं, आप समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम फर्जी बंदे के नाम से फर्जी सिम कार्ड लेते थे। मसरूफ नाम का एक बंदा था उनका, कोई दुकानदार सिम बेचने वाला, उससे ये सिम लेते थे। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, लड़कियों को खास तौर से टारगेट दिया गया था कि भाई आपको दिन में 500 लोगों को टारगेट करना है, और उनमें से इतने लोगों को, जो भी उनका टारगेट रहा होगा, इतने लोगों से आपको पैसे उठाने हैं, पैसे ठगने हैं। लड़कियों का टारगेट था 70 लोगों से 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए उन्होंने ठग लिए। जी हाँ, ये पुलिस की कुटाई में उन्होंने अपना कबूलनामा किया है, उसमें उन्होंने बताया, हालांकि बताते वो उतना नहीं है, अगर कोरोना काल में सरकार आंकड़े पूरे थोड़ी बता रही है, ये भी उन्होंने पूरे थोड़ी बताए, 70 लोगों से 2 करोड़ रुपए उन्होंने ठगे हैं। जी हाँ, अब आप लोग क्या समझ सकते हैं भाई, ये बुक है ना, इन लोगों के खिलाफ ही बताई गई बुक है ये, लेकिन इसको तो आप परचेज नहीं कर सकते। 320 पन्नों की बुक, वो सब कुछ मिलेगा जो इन लोगों को, 70 लोग बच सकते थे अगर इसमें से खुदा ना खास्ता एक बंदा ये खरीद लेता, लेकिन इसके 1000 रुपये लगते हैं, ये आपको महंगी लगती है, 15 से 20 हज़ार में दुबई पहुंच जाते हैं, वो आपको सस्ता लगता है, समझ गए। आए दिन होते हैं ये स्कीम, ये मत समझना कि ये हर रोज, मेरा टारगेट, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पर डे 1 करोड़ रुपये की इंडिया में ठगी होती है, पर डे 1 करोड़ की, रोक लो कोई रोक सको तो। हम जैसे लोग कोशिश करते हैं, गला फाड़ते हैं, लेकिन हमारी कोई इतना लोग सुनवाई क्या कहाँ करते हैं, लोगों को तो फोकट का माल चाहिए, समझ गए बात को। लोग पैसा दे के सही जगह इन्वेस्ट या कोई खर्चा नहीं करना चाहता, फोकट की जगह। आप देखो 500-700 लोगों में से 15-20 लोगों का टारगेट था, 15 से 20 हज़ार पर कैंडिडेट चल लेते थे, यानी पर डे वो 5 से 6 लाख रुपये से भी ज़्यादा वो लोग कमा रहे थे, उम्मीद करो पर डे 5 से 6 लाख रुपये कम नहीं होते भाई।
आराम से लोग दिए जा रहे थे, 70 लोगों ने, ये तो 70 का टारगेट है, बाकी बहुत सारे लोगों ने लिए, क्योंकि ये फर्जी पूरा सिस्टम फर्जी चलता है, अकाउंट नंबर भी फर्जी होते हैं, सिम कार्ड फर्जी होते हैं, आप उघाड़ लो उनका, क्यों उघाड़ना चाहते हो, ये सच्चाई है। तो भाई सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।